प्रदेश भर में इन दिनों एक गिरोह सक्रिय नजर आ रहा है जो मजबूर और भोले भाले लोगों को शादी का झांसा देकर उनके साथ ठगी की वारदात को अंजाम देता है। एक ऐसा ही मामला प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर के पास पीथमपुर से निकलकर सामने आया है, जहां दिव्यांग व्यक्ति को शादी का झांसा देकर गिरोह ने उसकी शादी करा दी। वहीं शादी के महज 2 दिन बाद ही शातिर दुल्हन 2 लाख रुपए लेकर भाग गई। देखिए एक खास रिपोर्ट। यह पूरा मामला प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर के पास पीथमपुर से निकलकर सामने आया है, जहां गिरोह ने दिव्यांग व्यक्ति को अपना टारगेट बनाते हुए उसे शादी का झांसा दिया और उसकी शादी करवा दी। वहीं शादी के महज 2 दिन बाद शातिर दुल्हन 2 लाख रुपए लेकर फरार हो गई। इस घटनाक्रम का पता जैसे ही लड़के और उसके परिजनों को चला, वैसे ही हड़कंप मचा। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि एक व्यक्ति है जो दिव्यांग है, उसका एक पैर और हाथ खराब है। उसको उज्जैन के महिला और पुरुष ने 2 लाख रुपए में इसकी शादी तय की और उसके बाद 2 लाख रुपए ले लिए गए। वहीं 2 दिन साथ रहने के बाद महिला फरार हो गई थी। आरोपियों ने इससे पहले भी प्रदेश के अलग अलग स्थानों पर ठगी की वारदात को अंजाम दिया है। ये जो नरेश नाम का व्यक्ति है, ये दिव्यांग है, इसका एक पैर खराब है और एक हाथ खराब है। तो इसको उज्जैन के एक महिला और 2 पुरुष थे, इन्होंने शादी का 2 लाख रुपए में से शादी तय करी और उसके बाद 2 लाख रुपए से लेकर और उस महिला इसके साथ 2 या 3 दिन रही तो शादी के बाद से भाग गई थी और ना उसका फ़ोन उठा रही थी, फ़ोन भी बंद कर लिया था और आ भी नहीं रही थी। कुल मिला के इसको शादी का झांसा देकर इसके साथ ठगी करी थी। तो इस लड़के की रिपोर्ट पर 28/5 को 400 BC का हमने मुकदमा कायम किया था और तब से इनकी तलाश कर रहे थे। इन तीनों के बारे में पता चला था, इसके पहले भी इन्होंने रतलाम में और मंदसौर उज्जैन के आसपास कई लोगों के साथ इस तरह की वारदात की है। तो तब से हम इनको ट्रेस कर रहे थे और कल इनके बारे में जानकारी मिली और जो लड़की है ज्योति, उसके पति राजू और कैलाश, तीनों को हमने अरेस्ट करके कोर्ट में पेश किया। देखा जाए तो प्रदेश में इन दिनों शादी का झांसा देकर ठगी की वारदात को अंजाम देने का सिलसिला जारी है, जहां लगातार इस तरह के मामलों में बढ़ोतरी हो रही है। वहीं हाल ही में एक ऐसा मामला प्रदेश के आर्थिक राजधानी इंदौर के पास पीथमपुर से निकलकर सामने आया है, जहां दिव्यांग व्यक्ति को शादी का झांसा देकर गिरोह ने उसकी शादी तय कर दी। वहीं शादी के महज 2 दिन बाद ही शातिर दुल्हन 2 लाख रुपए लेकर भाग गई। ब्यूरो रिपोर्ट, MP News, पीथमपुर।